सारी शॉपिंग की है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो हमारी चीकू प्यारी बच्ची जो है उसका तबीयत आज थोड़ा ख़राब चल रहा है। उसका मुंह देखो कितना प्यारा बच्चा मुंह सूख गया है। तो देखिए ग्रैंड मैगी ने मतलब ग्रैंड मदर ने क्या क्या मेरी चीकू को दिया है। निकालो तो निकाल के दिखाओ क्या क्या है। निकाल के दिखाओ तो एक एक क्या है। ये चिप्स है। वाओ कुरकुरे। ये क्या है। ओ माय गॉड ये काला काला क्या है। ब्लैक कलर चिप्स है। वाओ और ये क्या है। ये क्या है। ये चनाचूर है। वाओ नमकीन है। और मजा। ओ वाओ मजा है। अरे वाह देख देख वो भी खुशी खुशी। अरे वाह चॉकलेट कितना कुछ दी है। माय गॉड इतना कुछ। बाप रे बाप इतना कुछ कैसे खाएगी। देख कितना सारा। 1 2 3 4 5 वाह। हाँ 3 4 5 6 अभी तबीयत कैसा लग रहा है। कुछ अजीब लग रहा है। 6 चीज दिया तुझे। बाप रे अभी कौन सा खाएगी बता तो। अभी कौन सा खाएगी बता दे तो। ये वाला खाएगी। ये वाला खाएगी या ये वाला खाएगी। चॉकलेट खाइए। अच्छा, अच्छा तो खा लो चॉकलेट। खा लो चॉकलेट। खा लो चॉकलेट। खा लो तेरा पे। और तू क्या खाएगी। तू क्या खाएगी। तू उंगली खाती है गंदू लड़की। छीरे सिर्फ उंगली खाती है। वाह तो ये चल रहा है चीकू का बिस्किट का अनबॉक्सिंग है ना। ओ वाह भगवान क्या रे। तू कुछ भी मुंह में लेती है मोमो। खा लो खा लो खा लो। कितना चॉकलेट है। कितना चॉकलेट है। वाओ वाओ। अभी हम लोग चीकू को डॉक्टर को दिखा के लाए। देखो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बुखार होके रखा है बहुत हाई वाला। 104 डिग्री था राइट रात में। 104 डिग्री था जिसके बाद हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ा तुरंत। हम लोग इसको अभी मॉर्निंग में देख रहे बुखार कम नहीं हुआ। जो पहले डॉक्टर से दवा लिए थे वो सूट नहीं किया दवाई काम नहीं किया। तो हम लोग बोले अभी कि दूसरा डॉक्टर को दिखा देते हैं फटाफट क्योंकि बुखार एकदम कम नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि 2 दिन में अगर बुखार कम नहीं हुआ देन डेंगू का हम लोग को टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डेंगू का टेस्ट तो बाद का बात है। उससे पहले हम लोग पूरा टेक केयर करके उसका सोचेंगे कि जल्दी जल्दी चीकू का बुखार कम हो जाए ठीक है। दूसरे और मोमो एकदम गर्मी में सो रही है। हालांकि एसी चल रखा है लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ है। और एक गरीब औरत तकलीफ में तकलीफ झेलते हुए ओला का कैब करके गरीब औरत ओला के कैब में घर पे जा रही है। क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका हालत देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है बहुत ज़्यादा। गाइज हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड आने के बाद में देखो चीकू का जो दवाई था इतना सारा इतने सारे दवाई में से अभी देखो ये इतना सारा कल दवाई लिए थे हम लोग 1 2 3 ये दवाई लिए। डॉक्टर ने ये सारा दवा जो नॉर्मल के पास था सारा दवा कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद ये इतना सारा दवाई वापस नया दिया गया है। ये कुछ सारे ये उसका ORS और ये क्या है रे कुछ कुछ दवाई बुखार का खांसी का कुछ कुछ दवाई दिया। इतना सारा दवा आज के लिए भी दे दिया। कौन सा चॉकलेट है ये खाने वाला है। मैं तो चॉकलेट भी नहीं खा सकता। मम्मा आप स्वीट डेडी मम्मा देखो एकदम इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज़ में। एकदम पतली हो गई है और एकदम खास खास कर बेचारी का हालत ख़राब हो गया है। हाँ ठीक है ये दवाई देख दुख बुखार का उसको पहले थोड़ा खिला दे। हाँ उसके बाद में पहले थोड़ा खा के इन भी खाना वाना बनेगा उसके बाद में। इधर मेरा स्वीट लिटिल बच्चा बेचारा देख लो मोमो मोमो देखो नहीं उसको ये देखना है जो थैली है वो देख रही है। हाँ तो दवाई वाई पिला के उसको फिर हम लोग उसको तो पहले थोड़ा खाना खिला के दवाई पिला देते हैं। देखो मेरा बच्चा देखना भी नहीं चाहता इतना इतना ज़्यादा उसको वो हो गया। बहुत बहुत बीमार है मेरा बच्चा। ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा टेंशन मत ले। हाँ सो बिस्किट खिला दे पहले तो आप बिस्किट खा लेते। घर में कुछ खाना नहीं बना कुछ भी नहीं बना अभी जाके इसको दवाई खिलाऊंगी उसके बाद इसको निलाऊंगी मोमो को उसके बाद जाके खाना बनेगा। तो मैं भी चली गई थी और खाना बना ही नहीं तो अब जाके खाना वाना कुछ बनेगा। अभी ऑलरेडी 2 बज गया ऑलरेडी 2 बज चुका है। ये मेरी प्यारी बच्ची मेरा शोना तबीयत खराब है पूका तो कंबल खाली है। तो अभी थोड़ा सा आवाज निकल रहा है नहीं तो कल से तो कंबल खाली है। कंबल खाली है कल से बेचारी का बिल्कुल आवाज नहीं निकल रहा था। मोमो क्या कर रही है तो चुपके चुपके हाथ नहीं खाते। हाथ नहीं खाते हाथ नहीं खाते मोमो मोमो देख तेरे पास जाएगी देख 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 तेरे पास जाएगी। रुमाल दे इसे। रुमाल ए एक तो रुमाल ये लो मोमो क्या हो रहा है चुप चुप के क्या कर रही है तू
आ जाओ, ऐसे मत बैठो बाबा, ऐसे मत सो, उठ जाओ, हाँ ऐसे सो। तो मोमो का जो तबीयत है अभी भी बहुत ज़्यादा खांसी है। और इधर, अरे अभिषेक क्या कर रहा है? अच्छा तो मालूम पड़ गया मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ तो तुम आलू छीलना चालू कर दिए? नहीं, मुझे पता है कि मेरे बच्चों का ख्याल मुझसे ज्यादा तुम रख सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं तब सब भाजी बना दूँ। अच्छा, लगा बहुत तेज भूख। वैसे लोग कहते हैं कि तुम घर का बहुत काम करते हो। हाँ? कौन लोग कहता, कमेंट में कोई बोला है क्या? नहीं, कोई नहीं बोला है। कोई नहीं बोला है, अच्छी बात है। दिखाओ अपना मुँह तो दिखा दो। पपाया बिल्कुल खाना नहीं चाहती है, नहीं खाएगी थोड़ा सा। अच्छा एक ले लो, एक ले लो प्लीज, एक ले लो। एक नहीं, वन पीस ले लो, वन पीस प्लीज, ओनली वन खा लो, एक खा लो। पपाया हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। हाँ थोड़ा भी नहीं खाना मेरे बच्चे को, थोड़ा भी नहीं। हाँ थोड़ा भी नहीं खाना। अच्छा अरे मेरा बच्चा, मेरा छोटो बच्चा। हुआ ये है कि मैं पूरे सॉल्ट लेक एरिया में आज पपाया कहीं नहीं है। मैं 2 किलोमीटर दूर पैदल गई थी पपाया लाने के लिए, सिर्फ पपाया लाने के लिए, जहाँ पे मतलब पपाया शायद कुछ 100 रुपया किलो है। तो मैं आधा आधा पपाया लेके आई हूँ। और पपाया मैं इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला, क्योंकि चीकू को यानी पू को कल से बुखार है, मंडे से बुखार है। एंड आज हम लोग डॉक्टर के पास, कल हम लोग दूसरा डॉक्टर के पास गए थे। कुछ उसमें दे दो बाबा, रो रही है। तो हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, उसका जो दवाई है वो दवाई उसको सूट नहीं किया शायद, या क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा था। तो हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, जो पू का मतलब मोमो का डॉक्टर है, वो डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो वो थोड़ा बहुत दूर था, मतलब हम लोगों से बहुत मतलब दूर रहता है, मतलब वहाँ जाने के लिए सिर्फ 400 रुपये खर्चा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों बच्चों को लेके हम बस में तो ट्रैवल कर नहीं सकते। और यहाँ शहर में डायरेक्ट ऑटो का कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग गए थे, ऑब्वियसली ओला या उबेर ही ऑप्शंस है, और कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो जाने का 200, आने का 200 वैसा था, 200 से ज़्यादा ही इनफैक्ट। तो डॉक्टर ने ये कहा है कि क्योंकि पू का जो बुखार है वो मंडे था, कल पूरा दिन यानी सॉरी मंडे नहीं सैटरडे से, सैटरडे से संडे पूरा दिन बुखार था, आज भी बुखार था, दवाई खाने के बाद अभी थोड़ा ठीक हुआ है, बट अगर कल भी रहा यानी बैक टू बैक 3 डेज अगर बुखार रहा, तो वेडनेसडे को यानी 4th डे को हम लोगों को करवाना पड़ेगा डेंगू वाला टेस्ट। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा वो लेवल तक पहुँचे ही ना, एंड इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ उसको जितना हो सके पपाया मैं खिला रही हूँ। वैसे तो पपाया का लीव जो मतलब जूस पिलाना चाहिए अगर वो सब केस में, बट जूस ऑलरेडी उसको बहुत कमज़ोर है, कुछ खाना नहीं पीना नहीं चाहती है, और जूस पिलाना ये टाइम पे सही होगा नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। तो मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ, मैं एज अ फ्रूट सिर्फ पपाया उसको एज अ स्नैक दी हूँ। उसको पपाया नहीं पसंद है ऑब्वियसली, बच्चों को हम लोग जब बचपन थे हम लोग को भी पपाया बिल्कुल नहीं पसंद था, तो ऑब्वियसली इसको कैसे पसंद आएगा। तो पपाया बिल्कुल नहीं खाना चाहती है, मतलब जूस बना के दूँ या क्या दूँ समझ में नहीं आ रहा, जूस दूँगी तो उल्टी कर लेगी। और पपाया एक दो मतलब खाई होगी, एक दो पीस, और बाकी पीस खा ही नहीं रही है। हालांकि पपाया खाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो अभी मतलब थोड़ा डर में है कि बुखार और ना चढ़े, क्योंकि बुखार चढ़ने से प्रॉब्लम है। बुखार बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता में 2 चीज़ हो रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, जो कि मौसम की वजह से, शायद कोलकाता नहीं हर एक जगह बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है, वायरल फीवर सबको हो रहा है। और एक चल रहा है डेंगू, तो वायरल फीवर तो चलो 3-4 दिन रहता है ठीक हो जाता है। मेरे मम्मी पापा को भी हुआ था, दोनों को हुआ था, पहले पापा को हुआ था फिर मम्मी को हुआ था, फिर अभी वो लोग ठीक हो गए फिर। पर डेंगू वाला जो चीज़ है वो बहुत गलत चीज़ है, मतलब वो किसी को नहीं होना चाहिए, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा डर है। और हम लोग रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, और आजू बाजू मतलब पूरा ऐसे कवर है, मतलब हवा आने का जाने का वैसा कुछ नहीं, मच्छर तो ऑब्वियसली है, पर हम लोग धूप ये वो आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक शेल भी जलाती हूँ ताकि मच्छर ना घुसे। तो कोशिश करती हूँ कि मच्छर ना रहे रूम पे, बट पता नहीं चलता, एक दो अगर इधर उधर से आ गया काट लिया तो बहुत, उसी का मुझे थोड़ा बहुत डर है। इसलिए मैं एज अ प्रिकॉशन उसको जितना हो सके पपाया खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये लड़की बिल्कुल पपाया खाने को मांग ही नहीं रही है, है ना। और अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डांट रही हूँ, क्योंकि डांटने वाला तो उसका पापा है ही, जो हमेशा डांटते रहते हैं, और उसके डर के मारे एक दो पपाया खा भी लिया, बट मैं उसको बिल्कुल नहीं डांट रही हूँ, क्योंकि अगर दोनों ही डांटना चालू कर दिए ना तो वो बेचारी बिल्कुल मतलब थोड़ा अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाएगी। इसलिए दोनों में से एक डांटो, दूसरा को थोड़ा पैम्पर
इसलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर दे रही हूँ। और क्योंकि अभिषेक डांट रहा है, अभिषेक उतना मतलब उतना अगर दोनों ही पैम्पर देने लगे तो शायद बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए 50-50% करके हम लोग चल रहे हैं। आज का ब्लॉग तो हम यही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। सुबह से कल रात में मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ क्योंकि उसको बुखार हो रहा है, मैं जलपट्टी दे रही हूँ, कभी कभार उठ के रो रही है, खांस रही है, पूरी रात में नहीं सोई। सुबह उठ के इसको दवाई देना, फिर डॉक्टर के पास जाना, फिर आके खाना बनाना, फिर रात का खाना बनाना। अभी अभिषेक आलू काट के दे रहा है, थोड़ा हेल्प कर दे रहा है। थैंक यू अभिषेक गांड। तो यहाँ पे वो देख रहे हो, वहाँ पे वो आलू काट रहा है। तो अभी हम लोग रोटी बनाने वाली हूँ मैं, उसके बाद आलू के साथ खाएंगे। क्या हुआ बेटा, लिपस्टिक लगा रही है? हाँ, ये सब दे रही है तुझे, लिपस्टिक लगा रही है। वाह वाह, बच्चा मेरा, मतलब बाबा। अभी भी उसको बेचारी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है और आज मोमो सो गई शायद। इस बेचारी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, मुंह पूरा उतर गया है। तो आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि जो पू है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए मेरा बच्चा, है ना, है ना। नमस्कार दोस्तों, बोल दो तो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। एंड मैं आपको पू का जो भी हेल्थ स्टेटस है मैं आपको देती रहूँगी। आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।